अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लीगल एडवाइस के साथ मैं हूं उमर बख्त। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम किरायादारी से मुतल्लिक कवानीन, शहरियों को दरपेश मसाइल और उनके हल पर बात करेंगे। शहरी जब कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं या देते हैं तो उन पर कुछ कवानीन का इतलाक होता है, उनके हकूक और फ़राइज़ भी हैं। इस हवाले से आपने हमारे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स पर जो सवाल पूछे, आज हम उनके जवाब देंगे। आप किरायेदारी एक्ट और इस मामले पर मज़ीद सवाल भी पूछना चाहें तो हमारे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट PSCA सेफ सिटीज़ और फेसबुक अकाउंट पंजाब सेफ सिटीज़ पर मैसेज कर सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं DSP जफर जावेद मलिक। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू उमर। सर, किरायादारी एक्ट है क्या और उसकी बुनियादी शिक क्या है? आपका ये जो पहला सवाल है, इसके जवाब में मैं अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त पंजाब में किरायेदारी के हवाले से दो कवानीन राइजुल अमल हैं। एक को हम कहते हैं पंजाब रेंटेड प्रेमिज एक्ट 2009 और दूसरा है दी पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्प्रेरी रेजिडेंट एक्ट 2015। इनमें बुनियादी फ़र्क ये है, ये दोनों किरायेदारी के अमल को ही देखते हैं। इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि पहला है जो पंजाब रेंटेड प्रेमिज एक्ट, इसमें रिहायशी और कमर्शल प्रॉपर्टी जिस वक्त मालिकान रेंट आउट करते हैं तो इसके तहत वो अपना जिसको किरायेदारी पे देते हैं मामला तय करते हैं, और दीगर जो है वो जैसे कि उसके नाम से भी आपको आया है कि टेम्प्रेरी रेजिडेंट है, जो महदूद मुद्दत के लिए, मिसाल के तौर पे हॉस्टल्स या होटल्स वगैरह में शॉर्ट टर्म स्टे, उस पे वो लागू होता है। क्या ये जो दोनों आपने एक्ट बताए उनकी खिलाफ वर्जी पर FIR की रजिस्ट्रेशन लाजमी है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें मैं वाजे कर दूं आपके तवसुत से आपके तमाम नाजरीन को कि जो पंजाब रेजिडेंट्स, ये जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है, इसकी खिलाफ वर्जी जब भी होगी ये एक सिविल नेचर की खिलाफ वर्जी होगी। इसका फौजदारी निज़ाम अदल में इसके तहत पर्चा नहीं दर्ज होगा, इसके तहत सिविल रेमेडी होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई है कि रेंट कंट्रोलर्स की वो कोर्ट्स हैं जहाँ पे जाके वो अपनी दादरसी करवा सकते हैं, क्योंकि ये सिविल नोयत का मामला है। ताहम जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स के हवाले से है उसको कॉग्निजेबल कर दिया गया हुआ है, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो उसके खिलाफ बिल्कुल बाकायदा पर्चा भी दर्ज होता है और उसके खिलाफ CRPC और PPC के तहत कार्रवाई होगी। किराया नामे का इंदराज और उसका रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी है और इसका तरीक़ाकार क्या है? ये सवाल तो आपको बहुत मुख्तसर सा है लेकिन इसका खासा जामे मुफसल जवाब बनता है। अगर हम इसकी बात करें जो हमने पहले एक्ट का हवाला दिया, तो ये बेसिकली किरायादार की सूरत में जो लोग होते हैं और जो मालिक प्रॉपर्टी होते हैं, ये एक्ट जो है उन दोनों के हकूक़ का तहफ़ करता है, और इसके तहत जिस वक्त किरायेदारी का एक अमल आगे बढ़ता है तो ये चीज़ों को रेगुलेट करता है, उसमें दोनों के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों का तायुन कर दिया जाता है, और इस बात का भी तायुन कर दिया जाता है कि अगर उनके दरमियान कोई तनाज़ा, कोई कज़िया पैदा हो तो वो उस एक्ट की रोशनी में उसका फ़ैसला किया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये किरायेदारी के अमल को लड़ाई झगड़े के अमल से बचाने के लिए जाता। जहाँ तक टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स एक्ट के हवाले से है, उसके प्रीएम्बल में बता दिया गया है कि इसका मकसद जो है कि जिस वक्त राइजुल अमल किया भी गया उसके पीछे दहशतगर्दी की बढ़ती हुई वारदातें और मामलात थे, जिसके तहत ये कानून साजी की गई और इसमें पाबंद किया गया। पहले वाला मालिक प्रॉपर्टी और किरायादार के दरमियान है, इसमें एक तीसरी पार्टी भी शामिल कर दी गई है। किरायादार प्रॉपर्टी का मालिक या ऑनर या मैनेजर और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर भी, कि ये तीनों पाबंद होंगे इस हवाले से पुलिस अमल दरामद कराने के लिए। अमल दरामद के अलावा पुलिस को इतला देने की हद तक मैं बात करूँ, ये तीनों जिम्मेदार होंगे इसमें। पहली सूरत में जो रेंट एग्रीमेंट है किरायेदारी का, उसको रेंट कंट्रोलर के पास रजिस्टर करवाने के जिम्मेदार दोनों होंगे, किरायेदार भी और मालिक प्रॉपर्टी। जबकि इस सूरत में शॉर्ट टर्म स्टे पे जो आएगा, इसमें प्रॉपर्टी डीलर भी, होटल वाले भी, जो वो जिस किस्म के प्रेमिसेस हैं या हॉस्टल है उसका कोई मैनेजर है वो, या जिसके पास जो मेहमान आ रहा है, वो तमाम जिम्मेदार होंगे पुलिस को इतला देने के। अच्छा जफर साहब, मौजूदा दौर इंटरनेट का दौर है, मोबाइल के ऊपर एक क्लिक की दूरी पर हमसे इंटरनेट है।
किराया नामा जो है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हमें थाने ही जाना पड़ेगा या ऑनलाइन भी उसकी कोई फैसिलिटी मौजूद है? इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इस वक्त पंजाब पुलिस की वेबसाइट के ऊपर टेनेंट्स के नाम से बाकायदा टेनेंट्स रजिस्ट्रेशन के नाम से टैब मौजूद है, जिसमें आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने इंदराजात करके एक फॉर्म होता है जिसको फिल करके, जिसमें बुनियादी मालूमात आपका एड्रेस उस प्रेमिसेस का, आपका स्टेटस मालिक के मकान का, या अगर आप रेंट पे हैं और आपके पास फर्दर को लोग आप रेंट आउट कर रहे हैं, आपके स्टेटस के हवाले से, आपके CNIC के हवाले से, वो तमाम मालूमात सादा सा एक फॉर्म है जिस पे फिल करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और बाद उसी का प्रिंट लेके एज ए सबूत अगर आपने अपने पास रखना होता है तो आप मुतलका थाने में जाके उसको स्टैम्प करवा के अपने पास रख सकते हैं। जफर साहब, एक ये बुनियादी सवाल है हम सब के समझने के लिए कि किरायानामे में कौन कौन सी मालूमात का देना ज़रूरी है? इस एक्ट के तहत कुछ चीज़ों का तयन कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज़ तो इसमें आप फ्री कैन को दर्ज करेंगे कि कौन मालिक की प्रॉपर्टी है, उसकी डिटेल आ जाएगी, कौन इस प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रहा है। जब ये तय पा जाएगा तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी की डिटेल होगी, उसके बारे में मुफसल अंदाज में आप उसका हदूदरबा बयान करेंगे कि ये किस किस्म की प्रॉपर्टी है, रिहायशी है, तजारती है, इसके मशरक़ मगरब शमाल जनूब में क्या वाक़ा है, कितने मरले है और किस हवाले से। जब ये दो चीज़ें आप तय कर देंगे, उसको आप तारुफ करवा देंगे, तो एक नेचुरल फ्लो में है सारी चीज़ें, एक कॉमन सेंस की ये जो चीज़ें हैं, कितने अरसे के लिए रेंट आउट की जा रही है, कितने किराए के एव्स रेंट आउट की जा रही है, वो किराया किरायादार किस तारीख तक देने के लिए पाबंद है, और अगर इसका किरायानामे में जिक्र ना हो तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि उसको हर माह की 10 तारीख तक वो किराया अदा करना है बाय डिफ़ॉल्ट, समझा बाय डिफ़ॉल्ट अगर जिक्र नहीं है। इसके बाद ये जब चीज़ें तय हो जाएंगी तो इसके बाद यकीनन फिर फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी बीच में लिखा होगा कि किराएदार के क्या फ़राइज़ हैं और मालिक के मकान की, उसकी मेंटेनेंस के एतबार से, उसके बिल्स टैक्सेस की अदायगी के हवाले से, वहाँ पर जो यूटिलिटीज़ हो रही हैं, और फिर जो जिस हालत में वो बिल्डिंग या वो प्रेमिसेस लिए गए हैं उसी हालत में वापस करने के, और सबसे अहम शिक जो अक्सर किरायानामों में मौजूद होती है कि उसमें उसको पाबंद कर दिया जाता है कि आप जिस मकसद के लिए ये किराए पे प्रॉपर्टी हासिल कर रहे हैं इसका इस्तेमाल भी उसी मकसद के लिए होगा। ये नहीं कि आप बताएं कि मैं रिहायशी मकसद के लिए ले रहा हूँ और आप वहाँ पर तजारती सरगर्मियाँ शुरू कर दें। और आखिर में एक ऐसी भी शर्त होती है जिसके तहत ये होता है कि आप पाबंद कर देते हैं मालिक मकान अपने किरायादार को जिसको किराए पे वो प्रेमिसेस देते हैं कि वो उसको मजीद सब लेट नहीं कर सकते। ये भी एक आम रुझान आपने देखा होगा। अगर ये इसी सवाल से मुतलका मैं अगला सवाल पूछना था, अच्छा कि आपने बता दिया, अगर किसी किराएदार के पास कोई एक ऐसा शख्स या उसका कोई पेइंग गेस्ट आ जाता है जो कुछ ओवर द मंथ उसका स्टे होता है, तो क्या उसको उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में मुतलका थाने को बताना ज़रूरी है या ये उसका स्वाबदीदी इख्तियार है कि उसके घर मेहमान मौजूद हैं वो महीना रहे या दो महीना रहे? जी, ये समझना इंतहाई ज़रूरी है, चूँकि ये रेंटेड प्रॉपर्टी है और टेम्प्रेरी स्टे है, जैसा कि उस एक्ट का नाम शॉर्ट टर्म स्टे बता दी, शॉर्ट टर्म, तो इस वजह से ये उस दायरा कार में आएंगे, उनको अपने मेहमानों के हवाले से थाने में मुतला करना या उनका रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अच्छा, कोई ऐसी सूरत हाल भी मौजूद है कि जिसमें किरायादारी को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत ही नहीं है? नहीं, ऐसी कोई सूरत मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे मामलात सामने आते हैं कि जिस वक्त मालिक प्रॉपर्टी, मालिक मकान और किरायादार के दरमियान कोई तनाज़ा बन जाता है और उन्होंने उसको रजिस्टर भी नहीं करवाया हुआ होता, तो ऐसी सूरत में जब वो रेंट कंट्रोलर के पास रजू करते हैं, रेंट रजिस्ट्रार से जब चेक किया जाता है क्या ये रजिस्टर्ड डीड थी, और अगर वो नहीं थी और वो शिकायत लेके अगर मालिक मकान जाता है तो उस सूरत में उसको कोर्ट बकायदा पहले जुर्माना करेगी और वो जुर्माना 10% तक हो सकता है सालाना किराए के, और अगर वो किरायादार है तो वो 5% तक उसको जुर्माना होगा, और वो भी अगर अदालत समझेगी कि इनके पास कोई सॉलिड रीज़न था, जवाब था जिसकी वजह से ये रजिस्टर नहीं करवा सके, तो वो फिर उनको हक देगी कि अब वो काबिल समाअत हो गया और वो उतना जुर्माना उनको आई कर सके। प्रॉपर्टी का मालिक किन किन सूरतों में अपना घर या अपनी दुकान खाली करवा सकता है, और अगर
किरायादार ने ही घर या मकान पर कब्जा कर लिया है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? देखें, जो ये हम पहला एक्ट पंजाब रेंटेड प्रमिसेस एक्ट 2009 के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, तो ये इसमें जिस वक्त भी इसके लिए बड़ा स्पीडी अब सिस्टम जब से ये आया है, नाफिजुल अमल है, अब 4 से 6 माह के अंदर इन केसेस का फैसला करने की कोशिश की जाती है। इसमें देखा ये जाता है सबसे पहले कि किस वजह से ये तनाज़ा बना। अगर जैसा कि हमने पहले कहा कि किरायादारी की तारीख तय हुई हुई है 10 तारीख हर माह की, और अगर वो उस तारीख तक किराया नहीं देता तो मज़ीद 30 दिन तक इंतज़ार करने के बाद मालिक मकान खाली करवाने के लिए रेंट कंट्रोलर को दरख्वास्त दे सकता है कि मेरा किराया बरवक्त अदा नहीं किया जा रहा। सिमिलरली जब हमने किरायादारी की शराइत के हवाले से बात की थी, मिसाल के तौर पर एक शख्स वो लेता है प्रॉपर्टी रिहायशी पर्पज़ के लिए, लेकिन उसको रिहाइश की बजाय वो कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करता है, तो अब उसने उस किरायेदारी के शरायत नामे की शरायत पे अमल दरामद नहीं किया, तो जिम्मेदारियां या शरायत जो भी उस किरायेदारी के एग्रीमेंट में लिखी हुई है, अगर किरायेदार उसकी पासदारी नहीं करता तो मालिक मकान उसके खिलाफ रेंट कंट्रोलर के पास जाके उसको खाली करवाने की कार्रवाई शुरू करवा सके। अच्छा, अगर कोई मालिक मकान या कोई घर का हो मालिक या किसी दुकान का अपने किरायेदार को बिला वजह तंग करे, हर्डल्स क्रिएट करे, तो फिर एक किरायेदार के पास कानूनी तौर पर क्या हकूक हैं कि जिनको वो क्लेम कर सकता है? जी, इसी तरह किरायेदारी की शरायत में ही लिखी हुई होती है चीज़ें कि मालिक प्रॉपर्टी का हक है कि वो उस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन के लिए आके मुआयने के लिए, लेकिन वो चूँकि शराइत में लिखा हुआ होगा तो उस एतबार से वो आके वहाँ पे मुआयना कर सकता है, विज़िट कर सकता है, ये तसल्ली कर सकता है कि इसके जो ड्यूज़ हैं वो प्रॉपरली पे किए जा सकते हैं, तो वो जो उसको हकूक उस मुआयदे के तहत मिले हुए हैं वो तो किरायादार उसके उससे नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो उससे तजावुज़ करता है, उसको बिला ज़रूरत तंग करता है, तो उसके पास भी रेमेडी के लिए रेंट कंट्रोलर के पास ही जाना होगा, वो रेंट कंट्रोलर के पास जाके अपने हकूक का तहफ़ुज़ करवा सकता है कि वो बिला वजह उसको तंग ना करे। अच्छा, अगर किरायेदारी एक्ट की वायलेशन होगी है फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम द ऑनर या फिर जो टेनेंट है, कानून में उसकी क्या सज़ा है? कानून में इसकी सज़ा जो है, इसकी कार्रवाई सिविल नोयत की ये कार्रवाई होगी, और इसमें 10,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक कैश की सूरत में और 6 माह तक सज़ा वायलेशन करने वाले को रेंट कंट्रोलर दे सकता है। और अगर किसी के पास, जिस तरह मैंने पीछे एक सवाल पूछा था, किसी के पास ओवर द टाइम एक गेस्ट आ जाता है जिसका नॉन रजिस्टर्ड स्टे है, अगर वो पकड़ा जाता है, पुलिस चेकिंग करती है, या अगर मालिक मकान ही शिकायत कर देते, तो उस सूरत हाल में ये जो कार्रवाई की जाएगी उस गेस्ट के अगेंस्ट की जाएगी या फिर उस टेनेंट के अगेंस्ट की जाएगी जिसका आगे से फर्दर वो गेस्ट है? जी, वो दोनों के ख़िलाफ़ की जाएगी। उस हवाले से मैंने आपको बताया जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस एक्ट के हवाले से है, उसमें थोड़े से शराइत और ज़वाबत और ज़्यादा उसी हवाले से तय कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर उसमें पहली शर्त ये है कि जिस वक्त को टेम्प्रेरी रेजिडेंस के हवाले से पोजेशन ट्रांसफ़र होगा मालिक प्रॉपर्टी डीलर और वो जिसने वो रेंट पे पोजेशन पे वो जगह ली है, उस सूरत में ये तीनों 15 दिन के अंदर अंदर पाबंद हैं कि वो मुतलका थाने में उसको रजिस्टर करेंगे या इतला करवाएंगे। और उससे भी टेम्प्रेरी स्टे जैसे हॉस्टल या होटल्स की सूरत में होगा, तो वो होटल मैनेजर या हॉस्टल मैनेजर 24 घंटे के अंदर अंदर पाबंद है उसके चेक इन होने से, जैसे ही वो मेहमान अंदर तशरीफ़ लेके आएंगे वो इस 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने उसकी इतला, और वो इतला किस सूरत में होगी, नेशनल जो हमारा CNIC है, कौमी शनाख्ती कार्ड या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि पासपोर्ट की सूरत में, उसकी कॉपीज़ वो लेने के मजाज होंगे और वो कॉपीज़ थाने तक भी वो पहुँचाने के पाबंद होंगे। अगर किरायादार मुद्दत मुआहदा से कबल दुकान या मकान खाली करना चाहे तो उसको क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं? इसमें जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ये बाकायदा से एक मुआहदा एग्रीमेंट लिखा जाता है, उस एग्रीमेंट में ये जैसे मैंने मुद्दत के हवाले से भी आपको वाज़े किया था, तो उस सूरत में
वो मुद्दत जिस वक्त, क्योंकि इस तरह के मुआहदे आपको पता है इसके एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनसे लिखवाए जाते हैं, और ये जेनेरिक चीज़ें हैं जो मुआहदों में मौजूद होती हैं कि मालिक मकान अगर ख़ाली करवाना चाहेगा, मालिक प्रॉपर्टी अगर प्रॉपर्टी ख़ाली करवाना चाहेगा, वो कितने यौम का नोटिस देगा और क्या उसकी सूरत हाल होगी। इसी तरह यही हक किराएदार को भी उसमें दिया जाता है कि अगर वो ख़ाली करना चाहता है, वक्त मुकर्रा से पहले ख़ाली करना चाहता है, तो वो किन शराइत के तहत करेगा। ये उन उस मुआहदे में बड़ी तफसील से ये चीज़ें पहले से तयशुदा होती हैं, और जहाँ पे तयशुदा ना हो तो एक जनरल प्रिंसिपल है कि दो फरीकैन बाहमी रजामंदी से जो इस चीज़ को भी आपस में तय कर लें तो वो काबिल मुआखज़ा वैसे ही नहीं रहता। अच्छा ज़फ़र साहब, एक सवाल जो मुझे एक हमारे एक फॉलोअर ने ट्विटर पे पूछा, उनका ये कहना था कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली, जब वो उसे छोड़ रहे थे इसी तरह उन्होंने मुद्दत मुआहदा से कबल ख़त्म करना चाहा, तो उनकी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, जो मालिक मकान थे उन्होंने वो डिपॉजिट उनको नहीं दिए। अब उनके पास कानूनी क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है, वो कहाँ पे जाएं अपने इस अपनी क्यूरी को लेकर? जी बिल्कुल, वो जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया, अगर तो उन्होंने वो रेंट रजिस्ट्रार के पास मुआहदा रजिस्टर्ड करवाया हुआ था तो फौरी रेंट कंट्रोलर के पास जाके वहाँ पे अपनी अर्जी डाल सकते हैं और एक सिविल नोयत का दावा कर सकते हैं अपनी रिकवरी के लिए जो उन्होंने वहाँ पर एडवांसेस दिए हुए हैं। इन केस अगर उन्होंने किसी भी वजह से रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो उन्हें मुतमईन करना होगा रेंट कंट्रोलर को कि मैं क्यों नहीं रजिस्टर करवा सका, और उसके बाद भी रेंट कंट्रोलर का इख्तियार है कि वो उस किराए का, सालाना किराए का जो 5% बनता है, वो उनको जुर्माना भी कर सकते हैं। तो वो खुद वे कर ले इन चीज़ों को कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। 5% जो जुर्माना है वो मालिक मकान को होगा इन केस के? नहीं नहीं, ये किराएदार को होगा, क्योंकि किराएदार अब इसमें दावेदारी में जा रहे हैं ना जी। अच्छा, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, वो कंप्लाइंस दावा ऐसा कर रहा है तो जी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का। आपने हमारे जितने भी सवालात हमें मौसूल हुए थे फेसबुक पर, ट्विटर पर, ऑफिशियल अकाउंट्स पर, किराएदारी के हवाले से आपने उन तमाम को एड्रेस किया, सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, और मैं आपके प्रोग्राम के तवसुत से आपके नाज़रीन को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये किराएदारी और मुख्तसर किराएदारी में तसाहुल, सुस्ती से काम मत लें। ये आपका कौमी फरीज़ा है कि आप इस किस्म की इतलात फौरन अपने मुतलका पुलिस थाने को दें। इसमें आप सब की हिफाजत भी यकीनी होती है, और इसमें जो तखरीब कार, दहशत गर्द, जिनको आप लोग नहीं पहचानते होते, उनको पकड़ने में पुलिस की बहुत मदद होती है। लिहाजा इस मामले में मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास कोई आर्जी तौर पर ऐसा मेहमान आता है या आपसे कोई किराएदारी के लिए कोई जगह लेता है तो उसको फौरन मुतलका पुलिस थाने में उस इतलाह को रजिस्टर करवाएं। बाज़ लोगों को एक गलत फहमी ये है कि ऐसी इतलाहत शायद टैक्स वाले इदारों को भी मिल जाती हैं। वाज़े तौर पे इस एक्ट में लिखा हुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ पुलिस प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ टेररिज्म रिलेटेड क्राइम या दीगर पाकिस्तान पिनल कोड से रिलेटेड क्राइम के हवाले से इस्तेमाल कर सकती है, यानी ये इन्फॉर्मेशन टैक्स वाला इदारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलिए, लोगों का एक आम जो परसेप्शन था आज वो क्लियर तो हुआ जी। तो इस हवाले से इसको अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी और अपने गिर्दो निवाह के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये फौरन से पहले ऐसी इतलात थाने में रजिस्टर ज़रूर करवाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। नाज़रीन, उम्मीद है हमारे आज के प्रोग्राम में आपको काफ़ी मुफीद मालूमात मिली होगी। आप अपना फीडबैक देने के साथ साथ मुफ्त कानूनी मशवरों के लिए सवालात भी हमारे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट PSCS सेफ सिटीज़ और फेसबुक पेज पंजाब सेफ सिटीज़ पर शेयर कर सकते हैं। नए मौजू और आपके सवालों के जवाबात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।